सच्चाई तो यह है कि हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम पहले से ही छुड़ाए गए हैं। छुटकारा तो ये वास्तविकता है, ये तो मसीह यीशु में पूरा किया गया काम है। यानी स्थान के अनुसार आपको और मुझे यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया गया है। परमेश्वर छुड़ाता है उन सारी चीजों को जो आपके जीवन में नियंत्रण से बाहर गई, टूट गई। परमेश्वर इसे करेगा, लेकिन उसे चाहिए हमारा सहयोग, हमारा योगदान। परमेश्वर के छुटकारे के हृदय के बारे में तीसरी बात यह है, शायद ये पसंद ना आए तो बगल वाले को आप पकड़ ले यदि ये तो यही है कि परमेश्वर के छुटकारे के काम में अनुशासन है और कुछ केस में जरूरी हो तो न्याय भी है। पास्टर काश आज मैं चर्च में नहीं आता यह सच्चाई है कि कई बार हमें छुटकारा देने के लिए परमेश्वर को यहां पर हमें अनुशासित करना पड़ता। आशा ये न्याय की जगह तक नहीं पहुंचता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि हम में से बहुत से लोग जो यहां पर माता पिता हैं, जब आप अपने बच्चे को अनुशासित करते हैं तो उनके विनाश के लिए ये नहीं करते हैं। आपका मकसद सही है, आप चाहते हैं कि वो सीख जाए ताकि वो बेहतर हो, यही तो मकसद है। प्रभु हमसे ऐसे व्यवहार करता है कि कई बार हम में से कुछ लोगों को बस अपनी गंदगी से बाहर निकालने के लिए उसे हमें अनुशासित करना पड़ता है, सुधारना पड़ता है, क्योंकि यह हमारी मूर्खता है जो हमें वहां पर लाती है। ये तो हमारी खुद की मूर्खता है और ये हमारे काम है जिसके कारण हमने गड़बड़ी की है, तो उसे हमें अनुशासित करना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। तो बड़े प्यार से वो हमें सुधारता है अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारे आसपास के लोगों के द्वारा वो सुधारता है, लेकिन हमें उस सुधार को लेना होगा। उस सुधार का इनकार न करें। आमेन। क्योंकि प्रभु छुटकारा देना चाहता है, वो चाहता है फिर से नया बनाए, पूरा नया बनाए, जो हमें नीचे खींचता है उसे आजाद कर दे। वो काम कर रहा है, लेकिन उसे हमारी जिंदगी के उन क्षेत्रों में सुधार लेकर आना है। तो कई बार आप वचन में पढ़ते हैं, आप पाते हैं कि जो कर रहे हैं वो गलत है, तो जानते हैं ओ मैं ये गलत कर रहा था, इसलिए सब गड़बड़ी हो रही है, सब सही नहीं हो रहा है, तो मुझे इस सुधार को लेना होगा कि परमेश्वर का जो छुटकारे का काम है वो पूरा हो सके। लेकिन जब तक मैं परमेश्वर के अनुशासन, उसके सुधार का इनकार करता हूं, मैं रुकावट हूं मेरे छुटकारे देने वाले परमेश्वर के काम में। वो छुड़ाने के लिए तैयार है, वो बिल्कुल तैयार है, छुटकारे के काम को खोलने के लिए तैयार है, लेकिन मैं उसके अनुशासन को लेने के लिए तैयार नहीं। इब्रानियों अध्याय 12 बहुत से विश्वासियों के लिए परिचित वचन है, आइए हम इसमें से पढ़ते हैं। इब्रानियों 12:5-11 ये कहता है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे धुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता उसकी ताड़ना भी करता, और जिसे पुत्र बना लेता उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सहलो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होती हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? वो तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो इसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो परमेश्वर ताड़ना देता है, सुधारता है। ताड़ना पुराना हिंदी शब्द है, कठोर लगता है, लेकिन इसका सरल अर्थ है प्रेम से सुधारता है। ताड़ना इस शब्द ऐसा लगता है चाबुक मारना, लेकिन इसका सरल अर्थ है प्रभु प्रेम से सुधारता है। इसे गलत मत समझिए, प्रभु प्रेम से सुधारता है, जैसे माता पिता बच्चे को प्यार से सुधारते हैं वह हमें सुधारता है, लेकिन हमें उसके सुधार में समर्पण करना है। तो यदि हम परमेश्वर के छुटकारे के काम को जीवन के किसी क्षेत्र में देखना चाहते हैं तो हमें तैयार रहना है कि उसके सुधार को ले, उसके अनुशासन को ले। आमेन।
लेकिन बात तो यह है कि परमेश्वर के अनुशासन के व्यवहार में वो इससे बड़े प्यार से करता है। यशायाह 54:8 में प्रभु कहता है, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। वो लोगों को याद दिलाता है, सुनो मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूं, नाश करने वाला नहीं, तुम्हारा छुड़ाने वाला हूं। लेकिन छुड़ाने वाले होने के नाते मैं चला गया कुछ पल के लिए, लेकिन सच में मैंने तुम्हारे लिए अपनी करुणा और दया के कारण किया है, तुम्हारे छुड़ाने वाले के रूप में किया, मैंने इसे प्रेम से किया और दया से। यहां पर परमेश्वर के छुटकारे के काम के बारे में आखिरी बात, परमेश्वर के छुटकारे का काम हमें केवल पहले दशा में लेकर नहीं आता है, लेकिन शुरू के स्तर से बहुत ही उत्तम ऐसी जगह पर उठाता है। देखिए, जब परमेश्वर आता है कि छुटकारा दे हमारे जीवन की किसी चीज को, तो केवल हमें पहली जैसी दशा में नहीं लाता है, लेकिन वो इसे और भी बेहतर बनाता है जो हमने पहले अनुभव किया उससे। वो हमेशा शुरू से भी इसे और बेहतर बनाता है, और बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है। यूसुफ के बारे में सोचिए, जानते हैं यूसुफ ने सोचा कि उसकी शुरुआत अच्छी है, वो अपने पिता के घर में पसंदीदा बच्चा था, वो अपने पिता का लाडला था, लेकिन उसकी तुलना में कुछ नहीं जो परमेश्वर ने उसके लिए बाद में किया। यूसुफ जीवन में मुश्किल समय में से होकर गया, लेकिन जब परमेश्वर भीतर आता है कि उसकी परेशानी से, उसकी मुश्किलों से उसे बाहर निकाले, रातों रात यूसुफ देखता है कि वो तो बन गया है प्रधानमंत्री उस पूरे देश का। और उसने पूरा नहीं किया था अपना MBA इंटरनेशनल लॉ या फिर गवर्नेंस, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो यहां था केवल परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के वरदान के कारण। फिरौन के बगल में खड़ा था और पूरे देश को वो चला रहा था। जिस तरह से यूसुफ ने उस परिस्थिति को प्रत्युत्तर दिया, उसने अपने दोनों बेटों का नाम दिया, उस बात को बताते हुए कि परमेश्वर को अपने जीवन में उसने क्या करते महसूस किया। उत्पत्ति अध्याय 41:51-52, वचन 51, उसने अपने पहले बेटे का नाम मनश्शे रखा। इसका मतलब, परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया, मतलब वो सारा दर्द जिसमें से मैं होकर गया, परमेश्वर ने उस सब भुला दिया। और अगले बेटे का नाम उसने अप्रेम रखा, कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया, यानी उसी जगह पर जहां मैंने दुख उठाया, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया, जेल में डाला गया, इसी जगह पर परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, मुझे फलवंत किया। देखिए परमेश्वर ने क्या किया। अय्यूब एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जानते हैं बहुत से लोग, हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी दिखाई देती है, 42 अध्याय या ऐसे कुछ, और हम हर एक अध्याय को एक साल के रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि ये 42 साल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल के विद्वान कहते हैं कि ये शायद कुछ महीनों में हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल में, बस इतना ही। बहुत से यहूदी विद्वान ये कहेंगे कि अय्यूब की पूरी कहानी जो है केवल 1 साल तक ही रही, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ ये दिलचस्प है। अय्यूब की किताब का आखिरी अध्याय पढ़िए, अय्यूब 42:10, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसे सब कुछ वापस किया। उसे कैसे वापस किया? और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। परमेश्वर का छुटकारा देने वाला, फिर से नया बनाने वाला काम, वह हमें लेकर चलता है बहुत ऊंचे स्तर पर, बहुत अच्छी जगह पर, जो पहले था उससे भी बेहतर जगह। वचन 12 में कहता है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। वो 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। ये बहुत ही अच्छा है, जैसे परमेश्वर ने सब उसे लौटाया। अय्यूब के अंतिम दिनों में आशीष थी, दुख उठाने के 1 साल के बाद में 140 साल तक। उड़ाव पुत्र के बारे में यही बात थी, पिछले हफ्ते हमने इसके बारे में देखा। जब उड़ाव पुत्र घर में वापस आया, पिता ने कुछ किया जो उसने अपने दोनों पुत्रों के लिए पहले नहीं किया था।
उसने सबसे अच्छे कपड़े लाए, अंगूठी पहनाई, बड़ा भोज दिया, बड़ा उत्सव मनाया। उसने पहले नहीं किया था। कैसे जानते हैं? बड़े बेटे ने जो कहा उसके कारण। उसने कहा, कैसे? मैं जीवन भर घर में रहा और इसके पहले कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। पहले कभी ऐसा होते नहीं देखा। मेरे लिए कभी नहीं किया, कभी नहीं। तो जब ये भटका हुआ बेटा वापस आता है अपने पिता के पास, छुटकारे का हृदय दिखाता है कि मैं तो इसका उत्सव मनाऊंगा, इसे करूंगा, वो करूंगा जो पहले कभी नहीं किया था। मैं अपने बेटे को वापस नया बनाऊंगा कि केवल पुत्र ही न हो लेकिन उत्सव मनाऊंगा, क्योंकि मेरा पुत्र है। यहां तक कि छुटकारे की महान योजना जो परमेश्वर ने हमारे लिए की, मसीह में हमारे छुटकारे के लिए, हम क्या देखते हैं? हमने पाप किया और हम दूर चले गए थे। मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, और जबकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है कि अब हम उसके साथ में स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए हैं, पिता के दाहिने हाथ में, और हम परमेश्वर के वारिस है और मसीह के संगी वारिस हो गए हैं। मैं नहीं सोचता, बस इतना जानता हूं कि आदम को यह दिया गया था, वो परमेश्वर के स्वरूप में बना था, लेकिन अब वचन कहता है कि उसे मौका मिला कि वो पिता के दाहिनी ओर बैठ जाए, स्वर्गीय स्थानों में, मसीह यीशु में। परमेश्वर हमें ले जाता है उस क्षेत्र में, बहुत ऊंची जगह पर, शुरू से भी बढ़कर मसीह यीशु में। तो जब परमेश्वर अपने छुटकारे का काम करता है आपके और मेरे जीवन में, तो वह हमें केवल पहली दशा में लेकर नहीं आता है, लेकिन ऊंचा उठाता है। ये तो उससे भी बहुत बड़ा है और महान है जो हमने पहले कभी अनुभव किया था। तो चलिए इस संदेश को अपने जीवन में उपयोग करते हैं। वो क्या है जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में छुड़ाए? वो क्षेत्र कौन से हैं कि आप यहां पर बैठकर सोच रहे हैं कि प्रभु, ये मेरी जिंदगी का एक खास क्षेत्र है? शायद हो सकता है कि आपकी जिंदगी के बहुत से क्षेत्र हो, मैं चाहता हूं कि प्रभु तू इसे छुड़ा ले। क्या तू आएगा, मेरी मदद करेगा? सब बहुत बुरा हो गया है। नंबर एक, परमेश्वर के छुटकारे का प्रेम निरंतर प्रेम के द्वारा चलाया चलता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। आपके लिए उसके प्रेम में सुरक्षित रहें, प्रभु ये आपकी जिंदगी में करेगा, केवल इसीलिए क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, वो आपसे प्रेम करता है इसलिए वो करता है, आने के लिए तैयार है। दूसरी बात, परमेश्वर का छुटकारे का काम अलौकिक है, लेकिन इसमें आपका सहयोग चाहिए। वो चाहता है कि आप उसे सहयोग दें, तो परमेश्वर के साथ मिलकर काम करें कि ये देखें कि उसकी सामर्थ्य आपको छुड़ा रही है, नया बना रही है, नया बनाती चली जा रही है, नया बनाती है। प्रभु के साथ काम करें। अगर धन की बात है, परमेश्वर इसे करेगा, लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर, ऐसे कौन से व्यवहारिक बात है जो मुझे करनी है? मैं सहयोग दूंगा, मैं देखना चाहता हूं, जीवन के क्षेत्र को छुटकारा पाते देखना चाहता हूं जो मुझे खुद को करना होगा। शायद हो सकता है कि आप सेंट्रल अक्सर जाते हैं, ये व्यवहारिक बात है, बस जाकर कार्ड स्वाइप करते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में इतना कर्ज क्यों है, क्योंकि आप अक्सर कार्ड स्वाइप करते हैं। कई बार लोगों को व्यवहारिक बातें बतानी पड़ती है, ठीक है। देखिए, परमेश्वर से छुड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सहयोग देना होगा, आपको यहां बदलना है। कार्ड स्वाइप करते रहकर कह नहीं सकते प्रभु मेरे धन को तू छुड़ा दे। परमेश्वर कहेगा, मैं तुम्हें पहले क्रेडिट कार्ड से छुटकारा देता हूं, फिर बाकी सारी बातों को छुड़ाऊंगा। मैं उदाहरण के रूप में इसका उपयोग कर रहा हूं, इसी के जैसे आपकी जिंदगी में कुछ क्षेत्र होंगे। शायद हो सकता है आपका विवाह टूट चुका है, और शायद इसका कारण होगा कि आप अपने जीवन साथी से जिस तरह से बात कर रहे थे। हमने कहा, प्रभु हमारे विवाह को तो छुटकारा दे। प्रभु कहता है, मुंह बंद रखो, सुनो। ये यहीं पर शुरू होना चाहिए, बस चुप बैठे रहें। मैं विवाह को छुड़ा सकता हूं, इसे बहुत अच्छा सुंदर बना सकता हूं, लेकिन जब भी तुम मुंह खोलते हो तो बस जहर बाहर आता है,
वे प्रार्थना करते, प्रभु तू मुझे छुड़ा ले। प्रभु कहता, मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें बोलना बदलना है, सहयोग देना है। ऐसे नहीं होगा कि गलत काम करे और अपेक्षा करे कि छुटकारा वहां पर आएगा। प्रभु के साथ मिलकर काम करना है। प्रभु कहता, मैं छुटकारे का काम शुरू करूंगा, पहले मैं तुम्हारे शब्द बदलूंगा। और कई बार वो एक बदलाव विवाह में छुटकारा ला सकता है। तो श्राप और नफरत कहने के बजाय जीवन साथी के लिए आप जीवन और आशीष कहते जाते हैं, बदल सकता है। प्रभु के छुटकारे के काम का तीसरा दृष्टिकोण कि परमेश्वर के छुटकारे के काम में अनुशासन है। यदि कुछ सुधार लेकर आना है तो लेकर आए, प्रभु के सुधार को समर्पण करें, उसका इनकार न करें। शायद आप पाप में हो तो पश्चाताप करें। पाप में बने रहकर नहीं कह सकते प्रभु छुटकारा दे। पाप बंद करें, प्रभु से मांगे कि आपको निकाले, तो परमेश्वर के छुटकारे के काम को जिंदगी के उस क्षेत्र में आते हुए देखेंगे। लेकिन यदि पाप में बने रहें तो परमेश्वर के छुटकारे का काम कैसे होगा, क्योंकि उसके अनुशासन को समर्पण नहीं करते, सुधार को। प्रभु करने के लिए तैयार है, हमें समर्पण करना है उसके अनुशासन में। और आखिरी है, जानते हैं, जब प्रभु हमें छुड़ाता है और अपना काम हम में करता है, परमेश्वर का छुटकारे का काम हमें पहली दशा में ही लेकर नहीं आता है, लेकिन शुरू के स्तर से बहुत ही उत्तम ऐसी जगह पर उठाता है। आपने जो अनुभव किया उससे बहुत ऊंचा ले जाता है। तो महान महिमा की अपेक्षा करें, इसकी अपेक्षा करें, जैसे आप प्रभु को भीतर आने देते हैं अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, तो कहें, प्रभु मैं जानता हूं तू केवल इसे वापस नहीं देता, लेकिन तू इससे भी बहुत ऊंचे पर जाता है, बड़ी महिमा देता है। मैं इसे होते देखना चाहता हूं मेरी जिंदगी के इन क्षेत्रों में। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो इसे करेगा। आमेन। When I
child, lift up your head. I remember, oh God, you're not done with me yet. And I am redeemed. You set me free. So I'll shake off these heavy chains and wipe away every sin. A new life, I'm not the same. And a hope that will carry me home. And I am redeemed. You've set me free. So I'll shake off these heavy chains and wipe away every stain. 'Cause I'm not who I used to be. I am redeemed, oh yes, you set me free. So I'll shake off these heavy chains and wipe away every stain. I'm not who I used to be. No, I'm not who I used to be. Jesus, I'm not. हम परमेश्वर के छुटकारे देने वाले स्वभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम भरोसा करते हैं कि जो सत्य यहाँ पर बताया गया है यह आपके दिल को आपकी समझ को खोलती जा रहा है ताकि आप समझ सके कि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर और वो कैसे छुड़ाते जाता है उस छुटकारे के काम को कि हम परमेश्वर के साथ में योगदान दे सके कि इन बातों को होते हुए देखे अपने खुद के जीवन में आसपास के लोगों के जीवन में और परिस्थिति में जिनका हम सामना करते हैं। प्रोग्राम के अंत में आपको याद दिलाना चाहते हैं हमारे चर्च की वेबसाइट, इसमें बहुत से स्रोत उपलब्ध है मुफ्त में, संदेश है जिसे आप सुन सकते हैं, किताबें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, ये सब हमने आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध करवाया है। हमारे चर्च वेबसाइट पर जाइए और इन स्रोतों का आप उपयोग करते जाएं। प्रोग्राम के अंत में आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरे छुटकारे के काम इन दर्शकों की जिंदगी में हो जाए, इनके जीवन की ऐसी कुछ चीजें जिसमें छुटकारा पाना जरूरत है, चाहे वो धन हो या तंदुरुस्ती हो या सपने या दर्शन हो या ऐसी बुलाहट या मंजिल हो जिसे वापस प्राप्त करना जरूरी है। प्रभु, तेरी सामर्थ से हम ये मांगते हैं कि ये सारी चीजें हो जाए, ये छुड़ाई जाए और जीवन में ये वापस पाए सभी लोगों के जीवन में। ऐसा करने के लिए धन्यवाद करते पिता कि तूने अपने वचन को पूरा किया कि इसे पूरा करे, यीशु के नाम में आमेन। अगले हफ्ते हमारे साथ फिर से जुड़ जाए जिससे हम चर्चा करते जाएंगे परमेश्वर के छुटकारे के हृदय के बारे में और इसमें हम चर्चा करते हुए आगे देखेंगे ये छुटकारे की क्रिया क्या है, कैसे परमेश्वर खोलता है अपने छुटकारे के कामों को। अगले हफ्ते मिलने तक याद रखिए, जियो जिंदगी यीशु जैसे। अब हमारे पास नया एपीसी पब्लिकेशन है, निंदा नहीं और परमेश्वर का छुड़ाने वाला हृदय हिंदी में उपलब्ध है। इन किताबों की फ्री कॉपी पाने के लिए हमें पत्र लिखें। यदि आप भारत से हमें फोन कर रहे हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं और यदि भारत के बाहर से फोन करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर फोन करें। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.apcwo.org। आप इन पब्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे हिंदी स्रोतों को भी पाएं कि आपकी आत्मिक यात्रा में ये आपकी मदद करें। मेरी ये बुलाहट है कि मैं नमक और ज्योति बनूं। मैं इस परिवार का भाग हूं जो मुझे इस आज्ञा को पूरा करने में मदद करता है। मेरे पास अपनी नौकरी है लेकिन प्रभु वचन का अध्ययन करने के लिए मैं हमेशा जिज्ञासा रखता हूं। हम जीवन के अलग अलग भागों के अलग विद्यार्थी हैं। मैं ऐसे वातावरण में सबसे अच्छा करना चाहती हूं। यह मुझे मौका मिलता है कि मैं आगे बढ़ूं और सेवकाई करते चले जाऊं।
ऐसी परंपरा जिसमें अभिषिक्त अगुओं का उंडेला जाना होता है। मैं उत्तमता का लक्ष्य रख सकता हूँ क्योंकि ये परमेश्वर की सबसे सुंदर डिजाइन है। मैं प्रभाव डालने के लिए तैयार की गई हूँ। आए खोजें और पूरा करें। एकेडमिक ईयर 2016 में इन कोर्सेज के लिए एडमिशन इस समय खुले हैं। जुलाई महीने में 2 साल का फुल टाइम कोर्स एपीसी बाइबल कॉलेज बैंगलोर में शुरू हो रहा है। अक्टूबर महीने में शॉर्ट टर्म कोर्स हिंदी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा और अक्टूबर में शॉर्ट टर्म कोर्स उड़िया भाषा में बहरमपुर में शुरू हो रहा है। इन कोर्स के बारे में और दूसरी जानकारी पाने के लिए कृपया कर हमारे टोल फ्री नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए 1-800-300-00998। हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9945709777 या 0806561082 पर। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं contact@apcwo.org पर। इन कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं हमारी वेबसाइट से apcwo.org/biblecollege से।